फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अ प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर. तो ये लो एक 1000 मीटर लो, 1000 मीटर पे प्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप किया, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो बॉम्ब की, तो ड्रॉप कर दिया. टाइम बताओ कितने समय में ये नीचे आएगा. तो हमेशा की तरह वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो आप एस इज जीरो प्लस हाफ जी की जगह ना 10 ले लो इनटू टी का स्क्वायर, ये ले लो आंसर आ जाएगा. तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 200, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा 14.28, ऐसे ही है. चलो अप्रोक्सीमेटली क्या है, पॉइंट क्लियर है. सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट्स द टारगेट. तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, 100 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा था और ये ऐसे करके हिट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 100 ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी अपने को निकालनी है वी वाई. तो इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, तो एक काम करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है तो अलोंग वाई एक्सिस हम अप्लाई कर लेते हैं वी वाई इज जीरो 10 इंटू टाइम की जगह रूट 200, तो क्या आ गया वी वाई आ गया. वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 से क्या आ गया वी वाई आ गया. नेट वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, नेट वेलोसिटी तो नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. तो वी एक्स तो हमें मालूम है 100 है, वी एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 100 है, वी वाई हमने निकाल दी, वी एक्स और वी वाई को पुट करके वी निकाल लेना आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है. और क्योंकि डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन के लिए इमेजिन कर लो ये वाला एंगल बीटा, तो टैन बीटा निकाल लेना, टैन बीटा विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स. तो यहाँ पर वी एक्स पता है, वी वाई पता है, बीटा टैन इनवर्स में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल तो हम निकाल नहीं पाएंगे. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है. और एक्स भी निकाल लें, एक्स निकालने के लिए एक्स एक्सिस में अब अप्लाई कर दें, एक्स इज इक्वल टू वी टी 100 इंटू टी, टी का मतलब अंडर रूट ऑफ 200, तो एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक. तो एक्स एक्सिस में एक्स इज इक्वल टू वी टी, नेट वेलोसिटी वैसे ही निकल जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर से, और यहाँ से आपके पास वाई एक्सिस में टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी. कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक. ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई. तो बिल्डिंग बनाते हैं 19.6 मीटर हाई, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ये लो यू, आफ्टर हाउ लॉन्ग वो ग्राउंड को हिट करती है. तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो आप वाई एक्सिस में अप्लाई करें वाई 19.6, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना आ रहा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में नीचे आएगी. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे देख लो एक बार. मुझे बस ये बताओ जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 45 डिग्री एंगल कौन सा बनाया है, जो मैंने बताया था नीचे नहीं बनाना, नहीं बनाना, क्योंकि क्योंकि उसने साफ मेंशन किया कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बोल तो रहा है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, टू द पॉइंट इट हिट्स द ग्राउंड की ये लाइन ने एंगल 45 बनाया ऐसे. तो ये नहीं है कि याद कर लिया सर ने कहा जहां 45 डिग्री दिखा उठा के बस जमीन के नीचे एंगल लगा दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है. अगर वो बोले कि वेलोसिटी जिससे वो हिट कर रहे ग्राउंड को वो 45 है, तो ग्राउंड का एंगल बनेगा नीचे.
इसमें तो इतना क्लियर मेंशन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड जहां गिरी का एंगल 45 है, तो लाइन ज्वाइन कर तो लो 45। इससे ये फायदा होगा कि अगर ये 19.6 है तो ये भी 19.6 है, क्योंकि एंगल 45 है ना, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है। तो आपको u निकालना है, u निकालना है तो x एक्सिस के अंदर अप्लाई करें s इज इक्वल टू vt 19.6, वेलोसिटी हमने निकालनी है टाइम 2, तो u की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो मेथड समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ये ठीक है, एंगल नीचे का ले लिया होगा इसलिए एंगल लेना ही नहीं नीचे का। डाउट इसमें? मेथड सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली from top of the tower and strikes the ground after 2 second at an angle of 45 degree with the horizontal, आप कौन सा एंगल लेंगे? हाँ, अब नीचे जमीन वाला velocity का एंगल है ना, तो इसके अंदर horizontally गिर रहे हैं और body नीचे गिरी और body नीचे गिरते गिरते यहाँ पर angle बना गई 45 degree with the horizontal। तो आपको ये time given है 2 second है, u मुझे पता नहीं, हाइट मुझे निकालनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो आप वाई एक्सिस के अंदर अप्लाई करें वाई 0 हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? 19.6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और स्पीड यू, यू निकालना है। अगर आपको यू निकालना है तो एक काम करना पड़ेगा, आपको u निकालने के लिए इधर देखो, ये वेलोसिटी vx है जिसकी वैल्यू u रहेगी, u u u एंड u विल रिमेन सेम, और एक वेलोसिटी नीचे बनेगी कितनी? vy। और क्योंकि एंगल 45 है तो tan ऑफ 45 विल बी इक्वल टू vy डिवाइडेड बाय u, तो vy और u एक ही बात है इस क्वेश्चन में, एंगल 45 बना हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यू सेम है। तो अगर मैं वी वाई बता दूं तो यू आ जाएगा। अब वी वाई बताने के लिए वाई एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस में अप्लाई करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी ऑफ वाई इनिशियल वेलोसिटी 0, 9.8 इंटू 2, जो भी वी वाई आएगा वही यू बन जाएगा, 19.6 इज द आंसर।